हमारा भाई 12 घंटे में 1105 रुपये हमारे लिए बच गए थे। अब बीएस के भाई से बात करते हैं, इन्होंने भाई 12 घंटे काम किया था और कितने घंटे सोए थे, कितने घंटे मस्त रात में भाई। जोमेटो में ऑर्डर तो हाई है भाई, ऑर्डर आ गया 86 रुपए का। इसकी पिकअप लोकेशन देखो भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी भाई टाइम हो रहा है 5:56। आज भाई हम फुल नाइट काम करने वाले हैं 6 बजे से और सुबह 6 बजे तक। और इससे पहले वीडियो चैलेंज की वीडियो बनाई थी हमने और बीएस के भाई ने, तो भाई हमने आप लोगों को बता दिया था कि हम भाई चैलेंज जिस दिन रखेंगे फुल नाइट का रखेंगे। तो हमारे साथ में भाई बीएस के भाई जुड़ चुके हैं। देखो हमने लास्ट में बोला था कि हम एक वीडियो में जो कि जिसका आई बटन दे देना है लिंक डिस्क्रिप्शन में, हाँ। हमने बोला था कि फुल नाइट करेंगे, तो भाई आज जो है हम फुल नाइट कॉम्पिटिशन करेंगे बाइक टैक्सी वर्सेज फूड डिलीवरी में जोमेटो। और इससे पहले घर के 6-7 घंटे 8 घंटे किया था, हाँ हमने लगभग 9-10 घंटे किया था उस समय। हाँ हाँ, तो आज जो होने वाला है 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, मतलब फुल नाइट। अच्छा हमको सिखा रही है 12 घंटे। तो आप अपनी एक बार स्कूटी दिखा दो, टाइम देख लो 5:57 हो रहा है, ठीक है। और मैं ना दोस्तों प्रायोरिटी दूंगा ओला को और उबर और रैपिडो को जो है ना सपोर्ट में रखूंगा। 96% की जो है ना इसमें बैटरी है मेरी, और अभी देख लो, और इसमें 1791 किलोमीटर है, ठीक है। और आज की रनिंग जो है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि आखिर आज कितनी चली है। तो देखिए आज की रनिंग जो है दोस्तों ये 14 किलोमीटर है, क्योंकि मैं रात को जो काम किया था वो है, तो ये 14 किलोमीटर अपन घटा देंगे बाद में, ठीक है ना। तो ये है आज का स्टेटस 1791। और भाई आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि बीएस के भाई स्कूटी कितनी बार भाई रात में चार्ज करेंगे। हाँ मेरे लिए एक ये पॉइंट है कि ये तो चलाएगा पेट्रोल का, और ये हमारा तो एक बार फुल करा देंगे। 96% है, तो इसमें मैं ऑलमोस्ट 65 से 70 किलोमीटर चला लूंगा। उसके बाद में कितने बार पूरी रात में इसको चार्ज करूंगा, मतलब 6 बजे से और सुबह 6 बजे तक कितनी बार भाई ये चार्ज करेंगे वो लास्ट को आपको पता चल जाएगा। भाई ये हमारी है भाई 21,725, इसको भाई ध्यान रखना है। और भाई स्टार्ट कर देते हैं, और हमारा भाई टाइम भी हो गया, देखो 1 मिनट कम है, हम अपनी आईडी ऑन कर देते हैं। दोस्तों 6:03 हो रहे हैं और हमारे पास में भाई पहला ऑर्डर आ गया है 20 रुपए का, और जिसकी पिकअप लोकेशन भाई 2 किलोमीटर मानो भाई, और ड्रॉप लोकेशन है 077-700 मीटर मानो भाई। और यहाँ से इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई, अब चलते हैं भाई इसको। और हमने भाई अपनी आईडी 6 बजे ऑन की थी, 2 मिनट में हमारे पास में ऑर्डर आ गया, अब चलते हैं भाई इसको पिकअप करने के लिए, पास से ही ऑर्डर है। तो भाई के पास में भाई पहली राइड आ गई है, वो भी भाई कैंसिल हो गई है। देखो भाई 39 रुपए की राइड आई थी पहली, और यहाँ से ओके कर दें, लो भाई ये कैंसिल भी हो गई। किधर गया ओला, लो भाई पहली आई थी 39, फिर भी राइड कैंसिल, चलो फिर आएगी दूसरी। अरे देखो भाई 70 रुपए की राइड आ गई है, और ये किलोमीटर 8.5 किलोमीटर। ओ भाई तुम्हारी पार्सल है, पार्सल है? नहीं 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 कस्टमर ही है बाइक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दोस्तों पहला ऑर्डर भाई हमने कंप्लीट कर दिया है, कैश का ऑर्डर था भाई 204 रुपए, सर ने हमारे लिए भाई कैश दे दिया था। और इस ऑर्डर को भाई अब हम यहाँ से डिलीवर कर देते हैं। लो भाई ये कंप्लीट हो गया भाई पहला ऑर्डर, 20 रुपए का ऑर्डर था। और नीचे देखो भाई ऑर्डर भी आ रहा है, देखो भाई न्यू ऑर्डर हमारे पास में भाई 44 रुपए का ऑर्डर आ रहा है। पिकअप लोकेशन तो भाई पास से है, और ड्रॉप लोकेशन है 4.73 km। लो भाई दूसरा भी ऑर्डर आ गया, इसको भी मैंने भाई एक्सेप्ट कर लिया है, अब चलते हैं भाई पिकअप करने के लिए। इस ऑर्डर में भाई 8 मिनट दे रहा है वेटिंग टाइम, हम भाई 8 मिनट वेट कर लेते हैं ऑर्डर का, उसके बाद भाई रेडी होगा। और सुंदर फार्म हाउस पे देखो भाई कितने राइडर बैठे हैं, देखियो भाई पहला ऑर्डर हमने भाई पिकअप कर लिया है, ये देखो भाई हमारे हाथ में। और यहाँ से भाई हमने पिकअप किया था, मैं रेस्टोरेंट पे गया था, उनसे मैंने कहा था भाई ये ऑर्डर रेडी क्यों नहीं किया है, वो कह रहे थे रेडी नहीं है, ऑर्डर रखा था भाई पर उन्होंने रेडी नहीं किया था। और ये देखो भाई यहाँ से हम इसको पिकअप कर देते हैं, ये देखो भाई पिकअप का ऑप्शन, देखो भाई पिकअप हो गया है, अब चलते हैं इसको लेकर। ये ऑर्डर मुझे सेक्टर 63 में देना है, तो लोकेशन सेट कर लेते हैं, यहाँ से ही लगाते चलते हैं, बाइक के पास में पहुँचेंगे तब तक भाई लोकेशन भी खुल जाएगी। और यहाँ पे देखो भाई काफ़ी सारे राइडर बैठे हैं जोमेटो के भाई, लोकेशन सेट कर लिया, यहाँ से देखो 13 मिनट दिखा रहा है, 13 मिनट में मुझे पहुँचना है, और 4.5 किलोमीटर मानो भाई, 5 किलोमीटर मान लो भाई, भाई बैग में रख लिया है हमने, अब चलते हैं भाई इसको लेकर हम। तो एक बार हमने भाई लोकेशन देख ली मुझे किधर से जाना है, अब इसको हम कर लेते हैं बंद। इसको भी देख लो भाई सुमित राइडर ब्लॉक्स, और ऑर्डर मुझे तो भाई ज़्यादा हाई लग रहे हैं, क्योंकि हमने ऑर्डर डिलीवर किया था तुरंत ही हमारे पास में ऑर्डर आ गया था भाई।
इस ऑर्डर को भी भाई हमने डिलीवर कर दिया है। इसमें भाई 44 रुपए हमारे लिए मिले थे, ये भाई कैश का ऑर्डर था 150 रुपए। दोस्तों ये तीसरा ऑर्डर लेके आए हैं हम, ये भी भाई कैश का 625 रुपए और ये देना है मुझे 18वें फ्लोर पे। भाई हर एक ऑर्डर भाई कैश का आ रहा है, तीसरा ऑर्डर है ये भाई कमाल कर दिया है। देखो भाई आइसक्रीम का ऑर्डर है भाई, मुझे लग रहा है हर एक ऑर्डर कैश का ही आ रहा है। आप तो परेशान हो जाएंगे इस तरीके से, तो हमारी भाई आईडी बंद हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी आईडी बंद होगी। 625 रुपए भाई कैश ले लिया है, इस ऑर्डर को भी डिलीवर करेंगे चल के हम। यहाँ से टिक करने के बाद में यहाँ से डिलीवर कर देते हैं इसको भाई। तो ये एक ऑर्डर और हमारे पास में भाई कैश का आया है 624 रुपए। देखो भाई कितने ऑर्डर कैश के आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हर एक ऑर्डर भाई कैश का आ रहा है। यहाँ से ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं इसको। दोस्तों हमारे पास में भाई मल्टी ऑर्डर आ गया है 59 रुपए का, जिसकी पिकअप लोकेशन है भाई 3 किलोमीटर, ड्रॉप लोकेशन है 4.76 के हैं। इसको भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक है भाई कपूर बल्ले बल्ले से, पहले ऑर्डर में भाई वेटिंग टाइम दे रहा है 2 मिनट। तो ये भाई पहला ऑर्डर पिकअप तो कर लिया है और दूसरा ऑर्डर मुझे करना है भाई इस सामने वाली मार्केट में से। ऑर्डर देख लेते हैं भाई रेडी है नहीं है। ऑर्डर तो भाई रेडी है, चलते हैं भाई पिकअप करने के लिए। इसमें भाई ऑर्डर रखा है, डर रहता है भाई दूसरा बंदा कोई निकाल के ले जाना है भाई। ये है भाई सामने रेस्टोरेंट, ये भाई 5949 भैया 5949 देना। ये बाय बाय कर दे। तो इसको भाई हमने पिकअप कर लिया है, अब दोनों ऑर्डर रख लिए, अब चलते हैं भाई इसको लेकर वो रोड। अब इसके बराबर बारी भाई सोसाइटी है और जो लोकेशन इसमें दिखा रहा था ना वो बहुत घूम के दिखा रहा था, उधर अम्मी आना है आपको, मैंने सोचा इधर से ही निकल लेता हूँ भाई। ऑर्डर लेके आ गए भाई हम लिफ्ट में, मुझे जाना है भाई 8 फ्लोर पे और इसमें भाई शीशा लगा हुआ है, देख लो भाई कितना मस्त शीशा है, देखियो भाई और हमारी कंडीशन देख लो भाई, देखो भाई कैसी कंडीशन है, कैसा लगा मेरा मजाक। ऑर्डर तो भाई दे दिया है, अब ग्राउंड पे चलते हैं भाई। तो ये दूसरा ऑर्डर भी हमने डिलीवर कर दिया है, उसके बाद में हमारे पास में 33 रुपए का ऑर्डर आ गया है, जिसकी पिकअप लोकेशन 3 किलोमीटर और ड्रॉप लोकेशन है 2.81 के हैं। इसको भाई हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और चलते हैं भाई इसको भी पिकअप करने के लिए। दोस्तों लोकेशन तो भाई रीच कर दी है, इसमें 3 मिनट वेटिंग टाइम दे रहा है और ये ऑर्डर मुझे यहाँ से पिकअप करना है भाई, तो कर लेते हैं भाई वेट। तो भाई पिकअप कर लिया है ये देखो भाई, और इसमें देखो भाई एड्रेस लिखा हुआ नहीं है, देखो भाई हर्ष चौधरी लिखा है केवल और 97 लिखा हुआ है, तो ये सेक्टर 50 की लोकेशन दिखा रहा है, मैंने ऐसी केवल देख लिया है इसमें। ऑर्डर तो भाई दे दिया है, यहाँ से इस ऑर्डर को भाई हम डिलीवर कर देते हैं। और देखो भाई टाइम कितना हो गया है, 11:43 और भाई आपको टोटल अर्निंग दिखा देते हैं भाई हमारी कितनी हुई है। ये देखो भाई 35 रुपए मिले हैं इसमें हमारे लिए, यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं और ये पे आउट पे जाते हैं। जो ऑर्डर आ गया भाई हमारे पास में 83 रुपए का ऑर्डर आ गया है, इसकी पिकअप लोकेशन है भाई 78 KM 700 समझ लो ये, और इसकी भाई ड्रॉप लोकेशन है 12.24 KM। तो भाई 12.5 किलोमीटर का ऑर्डर है ये 83 रुपए का। हम जाते हैं भाई पे आउट पे, पे आउट पे जाने के बाद में देखो भाई हमारे 14 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, 753 का भाई हमारा टोटल काम हुआ है और 6 घंटे हो चुके हैं भाई हमें अपनी आईडी ऑन करे हुए। इसमें 180 का हमारे लिए इंसेंटिव जुड़ चुका है, ऑर्डर अर्निंग हमारी हुई है 573 की, 180 का इंसेंटिव मिल गया है ऑफर। ये सेक्टर 50 की मार्केट में से मुझे भाई पिकअप करना है ऑर्डर, इसमें आज हमारे लिए 275 रुपए मिल रहे हैं भाई इंसेंटिव के, आपको भाई बताना मैं भूल गया था। दोस्तों आपने हमारी टोटल अर्निंग तो देख ली, अब हम भाई बीएस के भाई को कॉल करते हैं, बीएस के भाई से कहते हैं आप भाई एक वीडियो क्लिप भेज दो, मैं ऑडियंस को दिखा दूं भाई आपकी कितनी अर्निंग हुई है। हम भाई कॉल करते हैं बीएस के भाई को। मस्त लगता है ना ये एरिया, तो मैं आप लोगों को अपना अर्निंग दिखा देता हूँ एक छोटा सा क्लिप में, ठीक है ना, परसेंटेज दिखा देता हूँ बैटरी की। तो पहले अर्निंग देख लो, नौ राइड पे 572 रुपये हो रखा है। बैटरी के परसेंटेज बता दूँ, हाल फिलहाल मैंने कोई चार्ज नहीं किया है, ये अभी 43% है, 9 ट्रिप मेरे हो चुकी, तो फिलहाल ठीक ठाक हुई है उनकी भी। और चलते हैं इस ऑर्डर को जल्दी जल्दी पिकअप कर लेते हैं और इसको भी भाई ड्रॉप करना है हमें। ऑर्डर लेके आ गए भाई हम लिफ्ट में, मुझे जाना है भाई 13वें फ्लोर पे, हमने भाई 13 दाब दिए, अब चलते हैं भाई ऊपर। ऑर्डर तो भाई दे दिया है, अब यहाँ से भाई हम ग्राउंड पे चलते हैं। हमने भाई जैसे ऑर्डर डिलीवर किया था हमारे पास में भाई ऑर्डर आ गया 86 रुपए का, इसकी पिकअप लोकेशन देखो भाई 8.5 किलोमीटर और ड्रॉप लोकेशन है भाई इसकी 5.39 KM। दोस्तों ऑर्डर पिकअप करके हम आ चुके हैं भाई लिफ्ट में, मुझे जाना है भाई 18वें फ्लोर पे और ये सेक्टर 104 से ऑर्डर पिकअप किया था हमने। ऑर्डर तो भाई दे दिया है और मैंने भाई 0 दाब दिया है, चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और इसको हम डिलीवर कर देते हैं, देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं भाई इसमें। हो जा भाई लिफ्ट में, होगा नहीं क्या, अब होगा। ये देखो भाई मल्टी ऑर्डर हो गया है, अब यहाँ से भाई दूसरा ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं,
अब दो ऑर्डर हो गए भाई, दोनों ऑर्डर तो भाई दे दिए हैं और यहाँ से भाई डिलीवर कर देते हैं इस ऑर्डर को। अब देखो भाई कितने रुपए मिलते हैं इसमें। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद में तुरंत ही भाई हमारे पास में ऑर्डर आ गया है 25 रुपए का, जिसकी पिकअप लोकेशन है भाई 2.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर भाई ड्रॉप एक्सेप्ट कर लिया है। अब भाई छोटे छोटे ऑर्डर आने लगे भाई। देखो भाई अभी हमारे पास में भाई 25 रुपए का सिंगल ऑर्डर आया था, अब भाई डबल कर दिया। लो भाई और पिकअप मालूम कहाँ से करा रहे हैं भाई ये। चलो भाई पता है कहाँ से पिकअप है, दह मल्टी। आज पता नहीं भाई कितने ऑर्डर हैं, कुछ खाने पीने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। और देखो भाई काफी रात हो गई, सभी सुनसान एरिया। देखो भाई खाने पीने तक का भाई टाइम नहीं मिला है, क्योंकि भाई कंटिन्यू ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास में भाई। अभी थोड़ा नाश्ता कर लिया था हमने केवल। भाई सुंदर पे आ गए हैं BSK भाई, और ये है देखो इनकी ओला। कितनी बार चार्ज की है अब तक भाई? दो बार चार्ज कर ली है। थोड़ा मतलब एक बार 20%, एक बार 30% है। अच्छा। देखो भाई कंडीशन कैसी हो जाती है। बैक टैक्सी मामूली बात नहीं है, मतलब फूड डिलीवरी बैक टैक्सी है। हमारे पास में भाई एक ऑर्डर आया हुआ है, इसको हम पहले डिलीवर करते हैं। चार्ज नहीं करूंगा, चल जाएगा, चल जाएगा। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 4:05 और 4 बजे के बाद में भाई सर्च मिलने लगा हमारी। ये देखो भाई 42 रुपए का ऑर्डर आया है, इसकी पिकअप लोकेशन देखो भाई 7.5 किलोमीटर मानो, और 21 रुपया सर्च, और ड्रॉप लोकेशन भाई पास से है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि भाई 4 बजे के बाद में भाई सर्च लग जाता है और सर्च मिलने लगा हमारे लिए भाई। अब चलते हैं इसको पिकअप करते हैं। अभी मैंने भाई इस सोसाइटी में ऑर्डर डिलीवर किया था, सेक्टर ग्रेटर न्यूडा की साइट है भाई, और यहाँ पे किया था। तो हमारे लिए 4 बजे के बाद में जो हमारा टारगेट था 275 रुपया, वो हमारे लिए भाई मिल चुके हैं। और 4 बजे तक तो भाई काफ़ी गिगे हो गई हैं, उसमें 6 गिग पे दिखा रहा था, तो हमने 4 बजे तक 7-8 गिग कर दी होंगी। रात में भाई जोमेटो में ऑर्डर तो हाई है, पर एक ही बात है भाई, बहुत बहुत दूर से पिकअप करा रहा है। इससे पहले जो हमारे पास में ऑर्डर आए थे तो भाई 15 किलोमीटर के 86 रुपये मिले थे हमारे लिए। हेलो, नहीं तो अभी हमारे पास में कस्टमर की कॉल आई थी, हम भाई रेस्टोरेंट पर नहीं पहुंचे, वो हमसे कह रहे थे एक भाई छोटी कोल्ड की एडवांस की डिब्बी ले आना, जान कौन सी। मैंने कह दिया हाँ मैं लेके आऊँगा अगर दुकान खुली हो तो। तो आप ही बताओ भाई इतनी रात में कहाँ शॉप खुला होगा, कहीं पे खुला होगा तो वहाँ पे हम उनका अपना ऑर्डर डिले करके उनका लेने जाएं भाई। ऑर्डर तो भाई पिकअप करके रख लिया है, अब चलते हैं। यहाँ से दिखा रहा है 2 मिनट की रास्ता भाई, इधर से भाई ये गेट दिखा रहा है और ये तो भाई बंद है। रात का तो मामला है, देखो भाई ऐसा भी सुनसान। UP 16D हाँ बस आ गया, एंट्री करा रहा था यही मेन गेट पे। नहीं सर यहाँ पे कहीं भी शॉप नहीं है, यहाँ बराबर से तो इसके पीछे से तो लेके आया हूँ ऑर्डर, लेके आया हूँ। ऊपर आना होगा, इधर से खुला है जो। ठीक है। काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और अभी टाइम हो रहा है भाई 5:29 और भाई दिन भी फैल चुका है। ये देखो भाई दिन निकल आया भाई, देखिए भाई कितना बढ़िया मौसम हो गया। सुबह का मौसम कुछ अलग ही होता है भाई, सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग होता है भाई, बहुत ही मस्त लग रहा है। ये देखो भाई अभी एम 79, ये 79 की सोसाइटी है। दोस्तों अभी BSK भाई से भाई हमने बात की थी, वो हमसे कह रहे थे भाई 1-1.5 घंटे से कोई भी हमारे पास में रेड नहीं आ रही है, और उनके पास में 3 बजे तक रेड ठीक ठाक आई थी, उसके बाद में अपने आप ही रेड ही आना बंद हो गई। और भाई मुझे भाई बिल्कुल भी नींद नहीं आई है भाई, पूरी रात हो गई मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, और बहुत ही अच्छे ऑर्डर हमारे पास में आ रहे थे, और थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी वो मैंने आप लोगों को भाई बता दिया। अब भाई हम 1/2 घंटे बाद BSK भाई से मिलते हैं। और दोस्तों हमने अपनी आईडी ऑफ कर दी है, 5:53 हो गए भाई, हमारे पास में कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। ये देखो भाई ब्रेक टाइम, तो हम ब्रेक कर लेंगे भाई, अपनी आईडी ऑफ कर दी है। देख रहे हैं भाई पूरी रात हो गई काम करते करते, अब BSK भाई से मिलते हैं भाई। दिन भी देखो खूब फैल गया है भाई, और ये है हमारे BSK भाई, देखो यहाँ पे भाई इंतजार कर रहे हैं। और बताओ BSK भाई हो गया टारगेट? ये तो भाई सो गए थे, यार मतलब नींद आ रही है। कोना ले लिया था, कितनी देर सो रहे थे, 1 घंटा 2 घंटा? ना 30-40 मिनट
जब आईडी ऑन हो तो नींद थोड़ी आती है यार। हाँ ये बात तो ठीक है, मतलब आप सोए नहीं थे, कच्ची नींद में ऐसे आंखें मिचली होती है थोड़ी सी है। हाँ भाई सूर्य देव भी निकल चुकी हैं, जय हो, मतलब शरीर की एलर्जी सब खत्म हो गई है बिल्कुल। आंखें आपकी बहुत बिकट लाल हैं, मेरे वैसे भी देखो भाई वाले आंख में थोड़ी प्रॉब्लम थी और इसमें ना कुछ जम रहा था इसलिए। हाँ बहुत दिक्कत हो रही ये भाई ज़्यादा ही, देखो आंखें लाल बिल्कुल हो चुकी हैं भाई की, और हालत कुछ देख लो भाई ऐसी हो जाती है भाई हालत। दोस्तों पहले हम आपको अपना पेआउट दिखा देते हैं भाई हमारा कितना हुआ है, और हम जोड़ते जाते हैं बी एस के भाई का, पहले फ़ोन ले लेते हैं उन, उसके बाद में बी एस के भाई के पास में ही जोड़ते हैं हम। मैं अपना पेआउट बता रहा हूँ आपके लिए, इसमें जोड़ते जाना ठीक है। तो इसमें जो हमारा काम किया था घर के लोगों ने 18 तारीख को, पहले हम वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से 18 तारीख सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं, तो हमारा इसमें 15 ऑर्डर कंप्लीट हुए थे और 7 घंटे अपनी आईडी ऑन की थी 934, इसमें 275 रुपये इंसेंटिव मिल गया था। ऑर्डर अर्निंग देखो भाई 659, 934 रुपये लिखो उसमें 934 प्लस। और इसके बाद में हमने 19 तारीख को भाई कितना काम किया है, तो यहाँ से 19 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें भाई 10 ऑर्डर कंप्लीट हो गए थे और 471 का काम हुआ था, इसमें सर्च हमारे लिए 51 रुपये मिल गया था, दो तीन ऑर्डर सर्च मिले थे केवल। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 1405 का हो गया भाई। और हमारी बाइक कितनी चलेगी वो आपको दिखा देते हैं, और हमारी बाइक थी दोस्तों जो हमने अपनी बाइक की स्टार्टिंग की थी वो की थी 21725 से, और हमारी बाइक भाई देखो टोटल कितनी चल चुकी है, इसमें लिख के आ रहा है 21883। तो इसमें घटाना कितना चल गई हमारी बाइक, लगभग 155 किलोमीटर 155 किलोमीटर चल गई भाई हमारी बाइक, 3 लीटर मान लो, इसमें 3 लीटर हमारा पेट्रोल लग गया। तो हमारा 1405 का तो काम हुआ है, और इसमें हमने 300 रुपये भाई माइनस कर दिया पेट्रोल का, तो हमारे लिए 12 घंटे में 1105 रुपये बच गए थे। दोस्तों हमने आपको भाई टोटल अपना पे आउट दिखा दिया है, हमारा भाई 12 घंटे में 1105 रुपये हमारे लिए बच गए थे। अब बी एस के भाई से बात करते हैं, इन्होंने भाई 12 घंटे काम किया था, और कितने घंटे सोए थे, कितने घंटे मस्ती की थी, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, और कितना अब तक कमाया है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं। तो भाई बताइए भी एस के भाई, आईडी ऑन है, इसको बंद कर दो पहले आप। बंद करना ना करो, बात वही है। अच्छा नहीं आएगी रेट, तो आप सबसे पहले स्टार्ट ये करो, आपने इसको कितनी बार चार्ज किया है? सबसे पहले तो देखो इसको मैंने 3 बार चार्ज किया है। 3 बार? दो बार। और आप कितनी चार्ज है अभी फिलहाल? अभी तो मेरे क्योंकि अभी जस्ट चार्जिंग से हटा के लाया हूँ ना। नहीं आ रही थी, तो 18 तारीख के लिए इनका भाई 705 का काम हुआ था, और उसके बाद में 76 रुपए हमने और ऐड किए थे, और अलग से इनका जो 19 तारीख को काम हुआ था वो हुआ था भाई इसमें 334 का काम। तो इनका टोटल मिला के भाई काम हो गया 1115 रुपए का, और इनका पेट्रोल वगैरह तो कुछ लगेगा नहीं, ऐसी हमारी काफी बातचीतें हुई थी, और जो कुछ इनका जो बचा है 1511 रुपए इनके लिए बच गए थे। तो भाई बी एस के भाई ने भाई आपको टोटल अर्निंग दिखा दी है कि 12 घंटे में 1115 का काम किया था, और हमने भाई किया था कितने का, 12 घंटे में 1105 का, 10-5 रुपए ज्यादा, और जो सोए हुए हैं वो अलग। और ये तो कहेंगे कि आपने मतलब हमसे दिक्कत परेशानी तो ज्यादा हुई है इसमें, भी मान सकते हो और आराम भी मान सकते हो। हाँ वैसे एक ही चीज है, अगर इनका जो पार्ट ऑफ द वर्क है ना, क्योंकि अगर आप इससे चला रहे हो तो फिर आपको ये तो झेलना पड़ेगा है ना। जैसे अब तुम्हें जोमेटो में जो काम कर रहा है वो सोचे कि भाई कस्टमर आए और नीचे से लेके जाए, तुम्हारे बैग में से ले जाए, तो पॉसिबल नहीं है, वही हाल इसमें। अच्छा आपने फूड की ऑर्डर डिलीवर की थी, उसमें क्या दिक्कत आई थी? कोई दिक्कत नहीं आई, एक ही में और दिक्कत आई हुई थी, उसमें कस्टमर को 2 क्वांटिटी लिखा था बट मेरे को एक भेज दिया था, और अच्छा। उसी में कस्टमर ने मेरा 1 घंटा लगभग खराब कर दिया। अगर वहाँ पे वो उसने जल्दी ले लेता ना ऑर्डर, तो मेरे को मान लो मैं 1500 तक भी पहुँच सकता था, क्योंकि उस समय। अच्छा अगर आप बाइक से करते तो इससे ज़्यादा हो जाता? नहीं नहीं, इतना ही हो पाता? इससे कम हो पाता, बहुत कम हो पाता। बाइक मेरा जो है ना मतलब सीधा सीधा यार 35-40 का माइलेज देता, क्या बचा लेता। हाँ तो उसमें घटा दो तो हमसे भी कम हो जाता है, 400-500 का पेट्रोल चले जाता। ये था बाइक पे अगर मैं काम करता ना, मैं टेंशन फ्री होके कहीं पे भी भाग जाता, 400-400 रुपए की भी राइडें आ रही थी रात को, तो हम वो भी ले सकते थे।
इन बाइक ज़्यादा चल जाती है, इसमें हम एक लिमिट में बंधे हुए। दोस्तों आप सभी लोगों ने भाई हम लोगों की भाई टोटल अर्निंग देख ली होगी, और जो हमारा कंपटीशन का चांस था जो आप लोगों से मैंने कहा था कि जो फुल वीडियो आएगी वो फुल नेट की आएगी, पर बीएसके भाई ने मुझसे कहा था कि जो वीडियो हम बनाएंगे वो 6 बजे से 4 बजे तक बनाएंगे, पर इनसे मैंने मना कर दिया था कि हमने कह दिया था जो वीडियो भाई फुल नेट की बनेगी वो बनेगी 6 बजे से 6 बजे तक। तो भाई इसमें भाई हम लोगों ने बहुत ही बिकट मेहनत की है, कितनी मेहनत लगी है इसमें, और कंटिन्यू हमने तो काम किया है, ये तो फिर भी सो लिए हैं भाई। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद टाटा।